11 सूत्री मांग पत्र को लेकर के सितंबर माह में 1 तारीख से किसानों का पूरा राजस्थान में पड़ाव का कार्यक्रम, जिलों में जिला स्तर पर पड़ाव का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें कि राजस्थान के बहुत सारे जिलों में किसान पड़ाव डालकर बैठे, मंडी के अंदर सड़कों पर हजारों हजार किसान जो है लाखों की तादाद में पूरे राजस्थान में मिलाकर के पड़ाव में बैठे। 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक वो पड़ाव जो है जारी रहा। महीने के बाद में भी सरकार ने उस समझौते को लागू करने की बजाय उसे वादा खिलाफी करने का काम किया है, और इसी को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी ने 22 फरवरी 2018 को विधानसभा कूच का आह्वान किया है, और लाखों लोग जो आज तक राजस्थान की राजधानी में नहीं आए वो इस जयपुर कूच में लाखों की संख्या में किसान जयपुर कूच करेंगे। जयपुर पहुंचने के लिए किसान अपनी अपनी जगह से, अलग अलग जिलों से, कुछ जगह से चल पड़ा है जो हमारे पास रिपोर्ट है, और बाकी जगह से आज शाम को किसान प्रस्थान करेंगे जयपुर की ओर। ये मैं समझता हूँ हम इस बात को कि सरकार बहुत बड़ी गिनती में किसानों को रास्ते में रोकेगी। ये भी हम समझते हैं कि बहुत से किसानों को गाँव में उन्होंने रोक लिया है, बसों वगैरह पर पाबंदी लगा दे, लेकिन उसके बावजूद किसान एक संख्या के अंदर राजस्थान के अंदर आएंगे। और मांग क्या थी? किसानों का कर्जा मुक्ति होना चाहिए। किसान जो उनका फसल है उसके लिए लाभकारी दाम होना चाहिए। मेहनत कश किसान को हर महीना एक उम्र के बाद पेंशन दिया जाना चाहिए। आवारा पशुओं से किसान का फसल को नुकसान जो हो रहा है उसको सरकार भरपाई करना चाहिए। ये सब हम लोग का मांग था। वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार राजस्थान में अगर किसी को डरती है तो वो है हमारी किसान सभा, और किसी को वो डरती नहीं है। ये हमने आज सबूत करके दिखाया है। किसाना की मेहनत की आ लूट मचा दी रे, सीकर चालो रे, ओ सीकर चालो रे, किसानों रानी धूप काट गी रे, सीकर चालो रे। सीकर जिला के किसान मजदूरों ने फाटी, नौजवानों ने फाटी ठोकने का काम किया, सरकार को पस्त करने का काम किया है। हम लोग तो 4 दिन जेल में जाए, लेकिन ये तो जेल छोटी है। किसान के हक और अधिकार के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो वसुंधरा की एक एक गोली भी ठंडी करने के लिए प्रत्येक साथी तैयार। धन्यवाद तो आप लोगों को है, तो आपने मरोड़ी मारी, जिसे मैं ज्यादा न कहते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी किसान सभा की प्रांतीय कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे,
और उस मीटिंग में हमारा कर्जा माफी सहित जो 11 सूत्रीय मांगों का हमारा समझौता हुआ उसके लिए हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा, लड़ाई लड़ेंगे। और जो चक्का जाम का था वो इसलिए कि होली है, निश्चित रूप से विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं, इसलिए हमने चक्का जाम को वापस लिया है, आंदोलन वापस नहीं लिया है। हमारा आंदोलन न केवल 13 सितंबर के समझौते को लागू करने तक रहेगा, बल्कि हमारा आंदोलन संपूर्ण देश के किसान का कर्जा माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अनुसार लागत का 1.5 गुनी कीमत का देश की संसद में कानून पास नहीं होगा जब तक जारी रहेगा। जनता के आवे पाला चनिया है।